दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के मुताबिक फिलहाल सावन का महीना चल रहा है, जिसमें हमारे देश के लोग सनातन मान्यता के अनुसार भगवान की आराधना करते हैं, क्योंकि सावन का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। और तो और, इस महीने में आस्था, भक्ति और प्रतिष्ठा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हिंदू भाई लोग लगातार एक महीने में सिर्फ शिव की साधना करते हैं। लोगों की आस्था भगवान शिव के साथ इतनी गहरी होती है कि वो शिव में ही खुद को समाहित कर लेते हैं और उन्हें को अपना इष्ट देव मान लेते हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि शिव की आदि, अंत और शिव ही अनंत है। समय है, काल है और शिव ही महाकाल है। दोस्तों, जब भी शिव जी की बात होती है तो कुछ हिंदू लोगों का मानना है कि आज से कई सौ साल पहले अरब देशों में भी हिंदू मंदिर हुआ करते थे और वहां हिंदू देवी देवताओं को पूजा किया जाता था। दरअसल रोम के इतिहास के विक्रम संवत के लेखक दोयरद्रस सलस ने भी बताया कि अरब में एक ऐसा हिंदू मंदिर है जिसकी पूजा पूरा अरब देश किया करता है, लेकिन आज ऐसा कोई भी प्राचीन मंदिर अरब में नहीं है। एंड कुछ लोग आज मक्का में बने काबा को भी उस शिव मंदिर से जुड़कर देखते हैं, क्योंकि आज पूरे अरब के साथ साथ दुनिया भर के मुस्लिम जो अरब से निकलकर ही फैले हुए हैं, वो काबा की परिक्रमा के लिए हर साल यहाँ आते हैं। एंड इसके अलावा भी काबा में शिवलिंग होने के बहुत से सबूत मिलते हैं, जिसका जिक्र आगे हम वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको उस घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसमें एक हिंदू शख्स काबा के ऊपर दूध का अभिषेक कर देता है और माना जाता है कि ऐसा करने से मुस्लिम जाति तबाह हो जाएगी। एंड हाल ही में ऐसा देखा भी जा सकता है। आखिर काबा पे दूध चढ़ाने के बाद क्या हुआ और असल में काबा के इस पिटारे के अंदर क्या छुपा हुआ है, जिससे कोई नहीं जानता। अगर आपको जानना है तो बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, इससे पहले कि हम काबा पे दूध चढ़ाने वाली वीडियो को लेकर पड़ताल करें, उससे पहले काबा की हिस्ट्री को लेकर थोड़ी चर्चा करते हैं कि क्या वाकई में इस बड़े से काले पत्थर के अंदर भगवान शिव जी को छुपाया गया है, और क्या ये मुस्लिम कौम भी भगवान शिव की ही आराधना करती है या फिर ये महज एक मीथ है। दरअसल पहली शताब्दी के रोमन इतिहासकार द्रयोदरसल सलस के मुताबिक भगवान शिव और काबा का प्राचीन जुड़ाव है। हालांकि गैर इस्लामिक इंसान के काबा जाने पर पूर्ण प्रतिबंध है, यानी कोई भी हिंदू या गैर मुस्लिम काबा के पास नहीं जा सकता। हज के दौरान इस्लाम को मानने वाले ही इस काबा को पूजते हैं और अपनी आस्था के मुताबिक चूमते भी हैं। कई लोग इसे शिव का रूप भी मानते हैं। कहा जाता है कि आज मक्का जिस जगह पर बना है, वहां पहले मंकेश्वर महादेव का मंदिर था, जिसका जिक्र कई पौराणिक चीजों में किया गया है। यानी इस जगह काले पत्थर के रूप में विशाल शिवलिंग था जो खंडित अवस्था में मौजूद था। इनफैक्ट रोमन इतिहासकार की बात मूर्ति पूजा की बात को बल देती है। दरअसल भारतीय इतिहासकार पीएन ओक अपनी किताब में लिखते हैं कि मक्का में इस्लाम पहुंचने से पहले मूर्ति पूजा का इतिहास रहा है। उनके मुताबिक कभी यहां पर हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हुआ करते थे। कहा जाता है कि यूनान और भारत में मूर्ति पूजा होती थी। इसका असर सिर्फ हिंदी देशों तक सीमित नहीं रहा, यह परंपरा दूसरे देशों से होते हुए सऊदी अरब भी पहुंची, जिसके पुख्ता सबूत आज भी मौजूद हैं। एंड हाल ही में सऊदी अरब के रियाद शहर में खुदाई के दौरान एक हिंदू मंदिर भी मिला, जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। आखिर सबसे बड़े मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर के अवशेष कैसे मिल सकते हैं? लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि सऊदी अरब में भी कभी सनातन संस्कृति की पहल हुआ करती थी। मक्का के काबा के अंदर रखे जिस पत्थर को भगवान शिव का रूप माना जाता है, इस्लाम के अनुयायी उसे नहीं मानते। मुसलमानों का कहना है कि यह पत्थर आदम और ईव के साथ जन्नत से यहां तक आया था। इस पत्थर के चारों ओर मेटल जड़ा हुआ है, जैसे शिवलिंग के चारों तरफ जलधारी स्टैंड बना रहता है। दोस्तों, वैसे इस काबा को लेकर बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि अगर कोई हिंदू इस काले से पत्थर के ऊपर गंगा जल या दूध चढ़ा दे, यानी इसका अभिषेक कर देता है, तो ऐसा करने से मुस्लिम जाति का अंत हो जाएगा। अगर आज मुस्लिमों के हालात देखे जाएं तो दुनिया भर में भले ही इनकी तादाद तेजी से बढ़ रही हो, पर हमास इजराइल युद्ध और कई मुस्लिम देशों में आपसी फूट के चलते इनकी तबाही साफ तौर पर नजर आती है। लेकिन कुछ हिंदुओं के मुताबिक अब इनका अंत और भी नजदीक आ गया है, क्योंकि एक हिंदू ने काबा के अंदर पहुंचकर उस दूध का अभिषेक कर दिया है, जिसका वीडियो आप साफ देख सकते हैं। يا سيدي 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 يا سيدي
दोस्तों, इस क्लिप में आप साफ देख सकते हैं कि उस हिंदू ने काबा के ऊपर दूध से अभिषेक कर दिया। हालांकि उसका विरोध भी कुछ मुस्लिम करते हुए दिखे थे, लेकिन आपको बता दें कि अब संत अच्युत्यानंद की प्रेडिक्शन सच साबित होने वाली है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आने वाले वक्त में धीरे धीरे मुस्लिमों का अंत होने वाला है। दोस्तों, जब से इस शख्स ने काबा के दूध का अभिषेक किया है, तब से मुस्लिम मजहब के द एंड होने के लगातार संकेत मिल रहे हैं। जब से यह घटना घटित हुई है, तब से सऊदी अरब समेत कई देशों के मुस्लिम श्री राम का नारा जपने लगे हैं। अब बाकियों को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि सऊदी अरब के प्रिंस भी अब श्री राम का नारा लगा रहे हैं, जिसे आप भी सुन सकते हैं। जय श्री राम, दोस्तों ये सोचने वाली बात है, क्योंकि दुबई के शेख का नारा लगाना अपने आप में एक बड़ी बात है। दरअसल दुबई पूरी तरह से कट्टर मुस्लिम शहर है, जहां सिर्फ शरिया कानून चलता है, जहां दूसरे धर्म के लोगों को कट्टर मुस्लिम काफिर समझते हैं। लेकिन सनातन की शक्ति देखिए कि अब दुबई का शेख भी श्रीराम का नारा लगा रहा है। इसके अलावा आप सऊदी के मौलाना का राम भजन भी सुन सकते हैं, जो बिल्कुल हिंदू संतों की तरह भजन गा रहा है। मेरी मंकी गंगा, अरे तेरी मंकी जमुना का, बोल राजा बोल संगम, मेरी मंकी गंगा, तेरी मंकी जमुना का, बोल राजा बोल संगम। अब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सऊदी अरब जैसे इस्लामिक मुल्क में राम भजन गाए जा रहे हैं, तो सनातन संस्कृति का फैलाव कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा एक चमत्कार तो आप सभी जानते हैं कि आखिर सऊदी अरब ने अपने देश में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनवा लिया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत समेत पूरी दुनिया के हिंदू मंदिरों को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय किया था और उसकी नींव पर मस्जिद मजारों का निर्माण किया, पर आज फिर से सऊदी अरब जैसे देश में भव्य हिंदू मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा आप इस चमत्कारिक तस्वीरों को भी साफ देख सकते हैं, जहां काबा के पास कुछ लोग भगवाधारी बने हुए हैं, जिसे भगवा को मुस्लिम लोग अपने मजहब में हराम समझते हैं, उसी भगवा रंग के कपड़े पहनकर कुछ मुस्लिम लोग काबा के अंदर पूजा आराधना करते दिख रहे हैं। यानी कि अब मुस्लिम लोग भी सनातन संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे हैं और अपना भी रहे हैं। दरअसल रही बात काबा के शिवलिंग की, तो इतिहासकार बता ही चुके हैं कि अरब देश में कभी मंकेश्वर का भव्य शिवलिंग हुआ करता था, एंड मुस्लिमों ने भारत के तक्षशिला और सोम मंदिर समेत राम मंदिर और काशी विश्वनाथ पर भी उन्हें मिटाकर मस्जिदों का निर्माण किया था। तो अरब में मौजूद इस मंकेश्वर को काबा में तब्दील करना कौन सी बड़ी बात है? हो सकता है कि मोहम्मद साहब की जबरन धर्म परिवर्तन की नीति में इसे भी काबा बना दिया गया हो और मान्यता के मुताबिक लोग इसे पूजने लगे हूं। वैसे इसके बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।